हाय व्हाट्स पीपल, दिस इज राहुल। आई वेलकम यू ऑल बैक विद दिस न्यू एक्साइटिंग वीडियो। आज की हमारी वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अब चाहे वो कोई गेम प्ले हो या कोई ट्यूटोरियल हो या आप कोई हाउ टू वीडियो बना के अपने किसी फ्रेंड को कुछ सिखाना चाहते हो, तो आज मैं आपको ऐसे ही 6 फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके इस काम को आसान बना सकते हैं। और जी हाँ, ये सारे बिल्कुल फ्री हैं। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि लास्ट में मैं ऐसे 2 सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ जो स्पेसिफिकली गेमर्स के लिए, अगर आप लाइव स्ट्रीम करते हैं तो ये 2 सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता हूँ। जो डेटा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बताता है कि कितने लोग मेरी वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज अगर आपको मेरा कंटेंट या वीडियो अच्छी लगती है तो अपने टाइम के कुछ सेकंड लेकर जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसी और वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूं। सो बिना टाइम को खर्च किए बढ़ते हैं अपने सॉफ्टवेयर्स की तरफ। सो बात करते हैं हमारे पहले सॉफ्टवेयर के बारे में। इस सॉफ्टवेयर के लिए आपको कोई भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। ये एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपकी विंडोज़ में ऑलरेडी होगा। अगर आप एक विंडो 10 यूज़र हैं या फिर विंडो 8 या 8.1 पे हैं तो यहाँ पर आपको सिंपली प्रेस करना है विंडोज़ बटन और यहाँ पर एक प्ले एंड एक्सप्लोर के नीचे आ रहा है एक्सबॉक्स कंसोल कंपेनियन। अगर ये आपकी विंडोज़ में ऑलरेडी है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो मैं आपको बताऊँगा आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। बट मोस्टली विंडोज़ 10 या 8 या 8.1 में आपको मिल जाएगा। जब ये लोड हो जाएगा तो इसमें आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा या आप डायरेक्टली अपनी फेसबुक से इस अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। अगर ये आपको इस विंडोज़ में नहीं मिलता है तो आपको करना क्या, मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपना माइक्रोसॉफ्ट स्टोर खोलना है, यहाँ पर ऊपर जाके आपको सर्च करना है एक्सबॉक्स, और एक्सबॉक्स सर्च करने के बाद यहाँ पर 2 सॉफ्टवेयर, एक है एक्सबॉक्स कंसोल कंपेनियन ये इंस्टॉल्ड है एंड एक है एक्सबॉक्स गेम बार ये इंस्टॉल। ये दोनों सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल कर लेने हैं, वैसे ऑलरेडी मिल जाएंगे अगर आप विंडोज 10 यूज़र हैं तो। बढ़ते हैं आगे, मैं खोल लेता हूँ पहले एक्सबॉक्स इसको। तो ये आपको खोलना ज़रूरी है तभी आप इसका गेम बार यूज़ कर पाएंगे। गेम बार एक्चुअली विंडोज़ में पहले से ही एक्सबॉक्स प्रोवाइड कराता है ताकि आप अपनी गेमिंग रिकॉर्ड कर सकें। सो यहाँ पर मैंने पहले अपना अकाउंट लॉग इन कर रखा है। अब हम प्रेस करेंगे विंडो प्लस जी, तो यहाँ पर इसका एक गेम बार खुल गया है। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखें तो कैप्चर का है, ऑडियो का है, परफॉर्मेंस का, यहाँ पर सोशल होने के और कुछ ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर अगर कैप्चर पे मैं आऊँ तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो स्क्रीनशॉट का है, दूसरा जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का है, तीसरा जो अगर आप माइक ऑन रखना चाहते हैं, ऑफ रखना चाहते हैं। अब स्पेसिफिकली एक बात है, जो भी आप विंडो रिकॉर्ड करना चाहते हैं आपको ये गेम बार वहाँ पर ऑन करना होगा। अगर मैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहता हूँ तो मैं ये वहाँ ऑन करूँगा। अब मैं आपको अपना ही एक YouTube चैनल की वीडियो को रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर विंडो प्लस जी प्रेस करूँगा और मेरा ये गेम बार खुल जाएगा। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर, और जैसे ही मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करता हूँ, आप अगर इधर मेरे राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं अपनी कोई भी एक वीडियो चला कर आपको दिखाता हूँ क्या ये रिकॉर्ड हो रही है या नहीं। जैसे मैं अब इस विंडो को रिकॉर्ड करना चाहता था तो मैंने यहाँ पर विंडो जी प्रेस करके गेम बार को ऑन किया है। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं कि ये रिकॉर्ड होती है कि नहीं। सो अब ये वीडियो हो चुकी है 35 सेकंड्स की। अब हम इसे स्टॉप करके देखते हैं कि ये रिकॉर्ड हुई भी है या नहीं। यहाँ पर माइक का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है अगर आप ऑफ एंड ऑन करना चाहते हैं तो। क्लिक करते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग पे, यहाँ एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी वीडियो कैप्चर हो चुकी है, अब से प्ले करके देखते हैं कि रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई है। यहाँ पर देखिए वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, जैसे कि मैंने रिकॉर्ड की थी, जो जो स्टेप्स मैंने दिखाए थे सारी रिकॉर्ड कर चुका हूँ मैं। ये थोड़ा सा इजी मेथड है, इसके लिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप डायरेक्टली यहाँ से गेम बार खोल के अपनी वीडियोस की लोकेशन पे भी जा सकते हैं। जहाँ आप क्लिक करेंगे शो ऑल कैप्चर्स पे तो यहाँ पर वो वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी जो आपने अभी रिकॉर्ड की थी। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे अभी तक जो मुझे यूज़ करना पड़ा, जिसके लिए कोई सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ नहीं किया। बट इस स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए मैंने स्क्रीन रेक का यूज़ किया जो कि मेरा अगला सॉफ्टवेयर होने वाला है। तो आइए चलते हैं अपने अगले सॉफ्टवेयर की तरफ जिसका नाम है स्क्रीन रेक। ये भी बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। आइए देखते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हैं विंडोज़ पे, लाइनक्स पे, अगर मैं बात करूं मैक की तो अभी ये इस पर अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कमिंग सून। और बात करूं लाइनक्स की तो यहाँ पर स्टेप दिए गए हैं कि आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बढ़ते हैं विंडो की तरफ और देखते हैं विंडो के कौन कौन से वर्जन्स पे ये काम करता है। तो विंडो के ऑलमोस्ट सारे वर्जन्स पे ये काम करता है, जो है 10, 8.1, 8.7, यहाँ तक कि
विस्टा और एक्सपी को भी ये सपोर्ट करता है अगर कोई इस वक्त पे वो यूज़ कर रहा हो तो। आइए बढ़ते हैं इसके कुछ बेनिफिट की तरफ। इसमें आपको वीडियो पे कोई भी वाटरमार्क नहीं मिलेगा। और दूसरा बेनिफिट जो है वो इसका है कि कोई रिकॉर्डिंग लिमिट नहीं, जितनी देर आप चाहें इस सॉफ्टवेयर से स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे वो 3 से 4 घंटे की क्यों ना हो, डिपेंड करता है आपकी स्टोरेज पे। नीचे कुछ FAQs दिए गए हैं, जैसे कि आपके दिमाग में कोई सवाल है कि क्या मेरी आवाज़ भी स्क्रीन रिकॉर्ड करते हुए रिकॉर्ड की जा सकती है, या मैं बिना इंटरनेट के भी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकता हूँ या नहीं। इसके सारे जवाब यहाँ आपको नीचे मिल जाएंगे। इसमें पहले से ही बहुत सारे FAQ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप नीचे आके इस साइट पर चेक कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम बात करने वाले हैं हमारे अगले सॉफ्टवेयर का, जिसका नाम है अपावर सॉफ्ट ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ एक डायरेक्ट बटन है दे रखा है जो स्टार्ट रिकॉर्डिंग के लिए है। तो यहाँ बस एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको लेना होगा अगर आप यहाँ से डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं ऑनलाइन। जैसे कि आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक लॉन्चर आपके PC में डाउनलोड करेगा, जिसको आपको इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद यू आर रेडी टू रिकॉर्ड, फिर आप यहाँ से डायरेक्ट रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो डाउनलोड ऐप का भी ऑप्शन यहाँ है, यहाँ से आप इसका ऐप डाउनलोड करके स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से फॉर्मेट में अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो वो हैं MP4, WMV, AVI, FLV, MPEG, VOB, ASF, GIF, बहुत सारे हैं। आप जो भी चाहें उसमें आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर बात करें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्ड करते हुए, तो वो है वीडियो स्ट्रीमिंग, सेल्फ डेमोंस्ट्रेशन, लाइव चैट। और बात करूं इसके थ्रू आप वीडियो और ऑडियो दोनों साथ में भी कैप्चर कर पाएंगे। और एक ऑप्शन आपको मिलता है, अगर आप अपने वेबकैम की फुटेज अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाना चाहें तो वो ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। यहाँ तक कि आपको एडिट करने के भी कुछ ऑप्शन ये देता है। ये है हमारा अगला सॉफ्टवेयर जिसका नाम है स्क्रीन-ओ-मैटिक। ये आपका काम और आसान बनाता है। इसमें ऐसे कई टूल हैं जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग को, एडिटिंग को इजी बना देते हैं। अगर देखा जाए तो ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अपावर सॉफ्ट की तरह वर्क करता है, क्योंकि यहाँ भी आपको स्टार्ट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें भी आपको एक लॉन्चर डाउनलोड करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसको एडिट और शेयर करने के कई ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप इस सॉफ्टवेयर को भी ज़रूर चेक करें। अब बात करने वाला हूं वो दो सॉफ्टवेयर जिनके बारे में मैंने कहा था कि वो गेमर्स जो लाइव स्ट्रीम करते हैं उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। उन्हीं दो सॉफ्टवेयर में से पहला सॉफ्टवेयर है OBS स्टूडियो, ओपन ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर भी जिसको कहा जाता है। ये भी एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ये अवेलेबल है 3 प्लेटफॉर्म्स पे, जो है विंडोज, मैक, लिनक्स। बात की जाए मैक की तो 10.13 प्लस वर्जन को सपोर्ट करता है, सो ये तीनों प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। बात की जाए इसके थ्रू आप वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग दोनों कर सकते हैं। बढ़ते हैं इसके इंटरफेस की तरफ। जैसे आप देखोगे कि इसके अंदर थोड़े से फीचर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं। जैसे आप डेस्कटॉप की ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कितनी लाउड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते वो आपके ऊपर है। वो सेम अगर आप वॉइस ओवर दे रहे हैं तो माइक से उसकी साउंड भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। बात की जाए इसको यूज़ करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट एक बार अगर आप सीख जाओगे तो ये आपके गेम स्ट्रीमिंग को एक अलग लेवल पे ले जा सकता है। मोस्ट ऑफ द गेमर इसी के थ्रू YouTube, Facebook पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। ये हमारा एक और वीडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल फ्री और गेमर्स की बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि अगर आप देखें ये स्क्रीन रिकॉर्डर आता है खुद NVIDIA की तरफ से, जो एक लीडिंग कंपनी है जो डिजाइन करती है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट गेमर्स के लिए और प्रोफेशनल मार्केट के लिए। तो आप समझ सकते हैं अगर वो कंपनी अपना एक स्क्रीन रिकॉर्डर निकाल रही है तो गेमर्स के लिए कितना ईजी हो जाएगा वर्क अराउंड। सो बात करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अलावा ये क्या क्या कर सकता है। इसका जो की फीचर है वो है डायरेक्टली हाई क्वालिटी लाइव ब्रॉडकास्टिंग, चाहे वो आप YouTube पे लाइव करना चाहो या Facebook पे या Twitch पे। ये इवन वेबकैम एंड कस्टम ग्राफिक ओवरले को भी सपोर्ट करता है, जिससे आपकी लाइव स्ट्रीमिंग को 4 चांद लग सकते हैं। इसमें आप 15 सेकंड के GIF कैप्चर कर सकते हैं, 4K तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहीं से आप इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो अगर आपके पास एक गेमिंग PC है तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके PC में होना ही चाहिए अगर आप एक गेमर हैं। बाकी आप यहाँ इसकी साइट पे आके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन से गेम को सपोर्ट करता है, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन यहाँ आके चेक कर सकते हैं। इन सभी सॉफ्टवेयर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये थे मेरे रिकमेंडेड स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर आपके लिए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे जाके इस वीडियो को लाइक कर दें, जिससे मुझे पता चल सके कि ये वीडियो आपको कितनी पसंद आई। और अगर आपके पास कोई सजेशन है कि मैं और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं लेता हूं आपसे अलविदा और मिलता हूं एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।